नमः शिवाय। नैष्कर्म्य सिद्धि में हनुमंत चतुष्टय का निरूपण चल रहा है। वेदांत प्रमाण से ही सम्यक ज्ञान होता है, जो सम्यक ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। इसलिए ज्ञानातेव तो कैवल्यम ये सिद्ध होता है। तो एवकार देने का मतलब ये हुआ, वेदांत आगम वाक्यादेव सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञान वही है सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति का साधन है। कल परसों विचार कर रहे थे, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, संशय विपर्य रहित अपरोक्ष ज्ञान, अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है, अथवा चरम वृत्ति भी इसको कहते हैं। साक्षात्कारात्मक ज्ञान भी इसी का नाम है, ठीक है। तो ये टीका चल रही थी ना भाई, आगम ग्रहण का वेदांत तो कह देते, फिर आगम क्यों कहा नारायण, ठीक है। इसलिए आगम कहा कि कोई कोई मानते हैं कि वेदांत तो जो है ना, ये उसर है, उसर वेद का उसर भाग है, नहीं जैसे धरा मंडल का उसर भाग है रेगिस्तान, इसमें कुछ नहीं होता है भले ही कांटा वगैरह हो, नहीं और खाएगा कौन, खाएगा ऊँट खाएगा कि शेर खाएगा, ऊँट ही तो खाएगा ना। इसी प्रकार ये वेदांत कौन पढ़ेगा, ये वेदांती लोग पढ़ेंगे जिसमें कुछ है ही नहीं, दुख ही मिलेगा, कुछ सुख है ही नहीं, ना स्वर्ग मिलेगा, ना ब्रह्म लोग मिलेगा, ना विष्णु लोग, ना शिव लोग। इसलिए वेदो सरा वेदांता, हाँ ऐसा मानते ना, हाँ कहते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है, वेदांत भी प्रमाण है। नहीं, वेदांत का विचार करने पर अमसी परब्रह्म ऐसा ज्ञान होता होता है। ऐसा ज्ञान यदि न होता तब तो ज्ञान का जनक न होने से वेदांत को प्रमाण न कहते, प्रमाजनकत्व विलक्षण न घटता, नहीं इसलिए कहा। और फिर वेदांत आगम वाक्य क्यों कहा, वाक्य कहने से कोई कोई वाक्य के आभास होते हैं, प्रमाण नहीं है लेकिन प्रमाण का आभास होता है, नहीं जैसे मान लो कह दिया असदेव इदमग्रे आसीत एकमेव द्वितीयम, नहीं तो वहाँ पर क्या वाक्य का आभास है, उससे शून्यवाद की सिद्धि नहीं होती है। उसका तात्पर्य है कि ब्रह्म अनाम है अरूप है, इसलिए वहाँ पर ब्रह्म को क्या कह दिया, असत कह दिया। असत का तात्पर्य नहीं कि शून्य है, ठीक है, कोई ना कोई भाव पदार्थ को मानना होगा, कोई अधिष्ठान भाव होगा फिर सारा संसार अध्यस्त होगा, कोई भाव पदार्थ साक्षी होगा जिस साक्षी से शून्य की सिद्धि होगी, है ना। निर अधिष्ठान का निस्साक्षी का कोई पदार्थ की सिद्धि नहीं होती, तो तुम्हारा सिद्धांत ही नहीं बनेगा, कोई साक्षी नहीं मानेंगे तो, है कि नहीं। इसलिए टीका में चल रही थी क्या, ये हो गया था, हो गया। इसलिए वाक्य आभास है, एवकार भी कह दिया ना, इसलिए वाक्य आभास से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए एव भी कह दिया। आगे देखा जाए, आठ नंबर पेज, और तो थोड़ी टीका देखो। इदानीम प्रकरण लक्षण उपपादयन, प्रकरण है ग्रंथ, ये पंचदशी है, ये सब ग्रंथ है ना, प्रकरण ग्रंथ होता है। अब प्रकरण लक्षण को कहेंगे, तो प्रकरण लक्षण को उपपादन करते हुए, निरूपण करते हुए, प्रकरण आरंभम उपपादितम, पहले क्या कह दिया था, प्रकरण आरंभणीय है, ये जो निष्कर्म सिद्धि नामक जो ग्रंथ है वो प्रकरण है, आइए आरंभणीय है, आरंभणीय नहीं, तो आरंभणीयत्व का हेतु होगा अनुबंध चतुष्टयत्व,
अनुबंध चतुष्टय का संबंध जिस ग्रंथ में होगा वही ग्रंथ क्या होगा? आरंभणीय होगा, हो गया कि नहीं? इसलिए यत्र यत्र अनुबंध चतुष्टय, यत्र करने से जिस ग्रंथ में, यत्र यत्र अनुबंध चतुष्टय तत्र तत्र आरंभणीयत्वम ये व्याप्ति बनेगी, उसमें आरंभणीयत्व जरूरी है तो ला सकते हैं। ओम एक मिनट, कोई बात नहीं। तो ये प्रकरण आरंभणीय है क्योंकि अनुबंध चतुष्टय है, इसमें ये उपवादन कर दिया गया। उसका उपसंहार करते हैं आचार्य सुरेश्वर आचार्य, अतो इसलिए, इसलिए इस ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय है इसका अधिकारी भी हुआ, साधन चतुष्टय संपन्न है, कलियुग में भी है कि नहीं? कोई आक्षेप करते ना कलियुग में कैसे मिलेंगे, कलियुग में भी संभव है यदि बुद्धि शुद्ध है। किसी जन्म में मान लीजिए निष्काम कर्म उपासना किया है तो चित्त शुद्ध हो जाता है, अनुमान करना पड़ता है इस जन्म में हो चाहे किसी भी जन्म में हो, वो कर्म उपासना जरूर किया होगा। स्ववर्णाश्रम धर्मेणा तपसा हरितोषणात् अथवा तपसा गुरुतोषणात् साधनम प्रभावित पुंसम वैराग्यादि चतुष्टय, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रीय कर्म जिसने नहीं किया है किसी भी जन्म में हो तो परमात्मा अथवा गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। तो गुरु की प्रसन्नता से, ईश्वर की प्रसन्नता से साधन चतुष्टय संपन्न तो हो सकता है, किसी भी युग में हो सकता है। तो विषय भी है यहाँ पर, विषय हो गया जीव ब्रह्म का एकत्व, यही तो विषय है नारायण, लक्षार्थम एकत्व, तत्वमसि के लक्षार्थम एकत्व होता है। और प्रयोजन भी है सम्यक ज्ञान से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की नित्य अनुभूति, ये आपका प्रयोजन है, संबंध भी है प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव इत्यादि। इसलिए अतः अशेष वेदांत सार संग्रह प्रकरणम इदम आरभ्यते। तो संपूर्ण जो वेदांत है उपनिषद, उपनिषद वेदांत शास्त्र है ठीक, उसमें जो सार सार है, क्योंकि वेदांत में तो बहुत कुछ है, उसका जो सार सार है अंतरंग साधन ठीक है, श्रवण मनन निधि आसन ज्ञान के साधन है ठीक है, वो सारों का संग्रह कर दिया जिसमें अशेष वेदांतानाम, ये सारा है ठीक है, तेषाम साराणाम संग्रहो यस्मिन ग्रंथे, वो ग्रंथ हो गया अशेष वेदांत सार संग्रहम, तत्पुरुष ये बबरी समास हुआ, वो कौन है? कर्मधारा कल्लु प्रकरणम है कि नहीं? संग्रह करते हैं कहते हैं विस्तरेण उपदिष्टानम अर्थानम सूत्र भाष्य यो हो, लिख लो, इसको कहते हैं संग्रह, संग्रह विस्तरेण उपदिष्टानम कहाँ दिया है? नहीं वो अलग है, उसी का ही स्पष्टीकरण रूप से बता रहे हैं। विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्र भाष्यो हो, पूर्वार्ध हो गया विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्र भाष्यो हो, निबंधो यह समासेन, निबंधो यह समासेन संग्रहम तम विदुर्बुधाः, संग्रहम तम विदुर्बुधाः, श्लोक है ये, लिख दिया निबंधो यह समासेन, निबंधो यह समासेन संग्रहम तम विदुर्बुधाः, हो गया
बुधाहा विद्वान स विवेकी लोग वो कहते हैं इसको संग्रह शब्द से कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? विस्तरण उपदिष्टान, विस्तार से जो उपदिष्ट हुआ है, सूत्र में कहा गया है, भाष्य में कहा गया है कि नहीं, ब्रह्मसूत्र हो गया, शंकर भाष्य हो गया, उसमें जो अर्थ उपदिष्ट है नहीं, उसको क्या करना चाहिए? समासेना मतलब संक्षिप्त, समास का अर्थ होता है समासनम, समास व्याकरण पढ़े हो आप लोग धन में ना, तो समासेना निबंधो यह निबंध रखना, निबंध मतलब क्या है? रखना, ठीक है ना। रख देना, रख देना, जिस ग्रंथ में रखा हो, रखने का नाम होता है संग्रह। क्या समय है? रखने का नाम होता है संग्रह, जो उपदिष्ट अर्थ हुआ है विस्तार से सूत्र में भाष्य में, बराबर है, उसको क्या कर देना है? संक्षेपण, समास मतलब संक्षेपण, संक्षेपण निबंधो, निबंध का अर्थ रखना, इसको क्या बोलते हैं? संग्रह शब्द से कहते हैं। कौन कहते हैं? विद्वान लोग कहते हैं, समझ में ना। इसलिए वहाँ पर तर्क संग्रह में संग्रह शब्द आया है कि नहीं, तर्क संग्रह, तर्क संग्रह का विग्रह करते हैं, तर्काणाम संग्रह यस्मिन सह तर्क संग्रह, वहाँ पर तर्काणाम सप्त पदार्थ नाम वैशेषिक के अनुसार, न्याय के अनुसार 16 पदार्थ है, तो तर्काणाम मतलब सप्त पदार्थानाम संग्रह यस्मिन, है ना। तो संग्रह का भी वहाँ पर यही अर्थ है, समासेना निबंध रखना, तभी उसको रखोगे कैसे? जो विस्तार से जो कहा गया है, उपदिष्ट अर्थ है, सूत्र में हो, भाष्य में हो, मूल ग्रंथ में, मतलब उसको यहाँ पर संक्षेप से रखना मतलब क्या चीज़ है? कैसे रखोगे? उठा कर ला कर कैसे रखोगे? तो वहाँ पर न्याय के बादशाह आचार्य, बादशाहन है ना भाष्यकार, न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन के सूत्रकार हो गए महर्षि गौतम, और भाष्यकार कौन है? बादशाहन। तो उसने संग्रह अर्थ का किया है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ये भाषण का कथन हुआ, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, तर्क संग्रह पदकृत्य में है कि नहीं। संग्रह का अर्थ क्या दिया है? उद्देश्य लक्षण परीक्षा, क्योंकि शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति, भाषण का वाक्य है, शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति, उद्देश्यम लक्षण परीक्षा च, तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। पहले कह दिया उद्देश्य, दूसरा लक्षण, तीसरा परीक्षा। आप लोग पदकृत्य में पढ़े हो तो याद होगा, उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य नहीं बोल रहे, उद्देश्य अकारांत है, उद्देश्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? नामात्रण वस्तु संकीर्तनम, वेदांत में भी कह दिया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये भी उद्देश्य हुआ। ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करो, बोले ब्रह्म क्या है ये तो नहीं बताया, फिर आगे क्या कह दिया? लक्षणम, फिर आगे लक्षण हो गया, इस जगह सप्त पदार्थ गिना दिया आपने, है कि नहीं, ये उद्देश्य हो गया, उद्देश्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लक्षण करते हो, भाई लक्षण क्या है? असाधारण धर्म लक्षण, हम गंधवती पृथ्वी इत्यादि करते हो ना, इस बार जन्मादिश्य यत, देखो पहले उद्देश्य होता है, उसके बाद लक्षण कर, फिर उसके बाद परीक्षा करते हो, है ना, ठीक। परीक्षा, परीक्षा किसको कहते हैं? परीक्षा किसको कहते हैं? परीक्षा देना बोलते हैं ना। परीक्षा मतलब क्या चीज़ है? हाँ ठीक है, लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारः परीक्षा, इसको कहते हैं परीक्षा। जैसे आप मनन बोलते हैं ना, मनन निध्यासन कहते हैं, मनन ले लो, है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी और क्या है? परीक्षा, लक्षण, लक्षितस्य लक्षणम
संभवती न वा इति विचार है परीक्षा। ये विचार का नाम होता है परीक्षा। जैसे ब्रह्म का लक्षण घटेगा कि नहीं घटेगा, ये तो भाई मानी पुत्र ने जानते बोल दिया। कोई कहता है अभी परमाणु से है, कोई कहता है प्रकृति से है, कहते कि नहीं। कोई बोलते कर्म से है, धर्माधर्म से है। तो अनेक मत मतांतर है कि नहीं। और दूसरी बात कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्विशेष है, ब्रह्म जब निर्विशेष है उसमें कोई धर्म ही नहीं है तो लक्षण कैसे बनेगा। ये सब आक्षेप होगा कि नहीं होगा कि नहीं। जिसमें कोई धर्म ही नहीं है लक्षण क्या करोगे। लक्षण बोलते हैं असाधारण धर्म लक्षणम, जिसमें कि असाधारण धर्म है उसको कहते हैं लक्षण। तो ब्रह्म में कौन सा असाधारण धर्म है? बोलेंगे ना भाई ब्रह्म तो कोई गुण ही नहीं है, है कि नहीं। तो गुण मानेंगे तो ब्रह्म ही नहीं होगा फिर, और तो अब्रह्म हो जाएगा फिर। ब्रह्म भी तो गुण मानेंगे तो ब्रह्म होगा क्या? वो उसको ब्रह्म कैसे कहोगे? एक हम द्वितीय शास्त्र में कहा गया तो ब्रह्म यदि कोई धर्म ही नहीं है असाधारण धर्म, कोई धर्म ही नहीं तो साधारण क्या असाधारण क्या इसलिए है ना शंका तो बनेगी ना नारायण। ठीक है, इसलिए जो है परीक्षण का आगे करता है। कोई शंका हो तो उसको दूर करना पड़ता है। और उद्देश्य क्या क्या प्रयोजन होता है, उद्देश्य क्यों करते हो, उद्देश्य से क्यों फलम, उद्देश्य का फल क्या होता है? नाम मात्र वस्तु संकीर्तन जो कहते हैं उसका फल क्या है? वहाँ पर क्या दिया पदकृति में भी? पक्ष ज्ञानम। उद्देश्य फलम पक्ष ज्ञानम, पक्ष का ज्ञान हो जाएगा ना। मनन करोगे आप, मनन करेंगे ना, है ना। तो लक्षण कर दिया भाई, लक्षण जब कर देंगे ये तो वायु मानी बताने जानते लक्षण कर दोगे, है कि नहीं। तो फिर आपको मनन करना पड़ेगा ये सारा जगत का कारण कौन है? ब्रह्मा है कि नहीं। इसलिए ब्रह्मा सारे जगत का क्या है? कारण है, कारण है। ब्रह्मा जगत कारणम, क्यों? सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञ होने से। ठीक है, अथवा उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति मत्तम। ब्रह्म जगत का क्या है? कर्ता है। ब्रह्म जगत कर्ता, कर्तृ नपुंसक है। ब्रह्म जगत कर्तृ हेतु क्या देंगे? कर्ता क्यों है? उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति मत्तम नहीं। तो जगत का उपादान हो गया माया, परिणामी उपादान कौन है? माया है कि नहीं। उसको जानता है कि नहीं ब्रह्म, है ना। ब्रह्म यदि माया को जाने तब तो जगत को बनाएगा, है कि नहीं। माया से अधीन नहीं हो, माया उससे अधीन है, समझ में कि नहीं। अथवा निमित्त को भी जानता है भाई, जगत का निमित्त क्या है? धर्माधर्म है। सारे जीवों के धर्माधर्म को कौन जानेगा? परब्रह्म जानेगा ना। क्यों भाई? चिकित्सा है ना, उनका सत्य संकल्प है। हाँ, कोई सत्य संकल्प करने वाला है। और मान लीजिए कृति भी है, उसकी कृति भी क्या है? सत्य है, अबाधित है। ऐसा कोई है तो वो कौन है? ब्रह्म। इसी पर कहने है मतलब। इसलिए ब्रह्म को कहते हैं यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, बोलते हैं ब्रह्म का विचार करो, है कि नहीं। फिर लक्षण करते हो, लक्षण क्यों करते हैं? लक्षण से किम फलम? इतर भेद ज्ञानम, इतरों से भेद का ज्ञान। विवेक करोगे ना भाई, जगत से ब्रह्म का विवेक करना है, दृश्य से दृक् का विवेक करना है। लेकिन दृक् का स्वरूप क्या है? लक्षण यदि नहीं होगा तो विवेक होगा? ये विवेक रूपी फल हुआ। किसका फल हुआ? भगवान लक्षण का। इसलिए लक्षण पहले लक्षण होगा, बाद में विवेक होगा। भाई जगत का स्वरूप क्या है, है कि नहीं। अनात्मा का, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये लक्षण करेंगे। दृश्य का लक्षण करोगे, दृक् विषयत्म, दृश्य से लक्षणम।
दृक् का जो भाष्य, दृक् से जो भाष्य होता है, साक्षी से जो भाष्य होता है वो होता है दृश्य, है कि नहीं। और जो संप्रकाश है ज्ञान स्वरूप वो होता है दृक्, इस पर लक्षण करना पड़ेगा। प्रज्ञानम ब्रह्म कह दिया, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कह दिया, लक्षण कर दिया। इसका मतलब जो ज्ञान स्वरूप नहीं है वो आत्मा नहीं है, जो संप्रकाश नहीं है वो आत्मा नहीं है, लेकिन ये सब करना पड़ता है ना। फिर अंत में जो परीक्षा कह दिया, परीक्षा का फल क्या हुआ, अरे बताया ना परीक्षा का फल, लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचार परीक्षा। तो परीक्षा का फल क्या होगा, लक्षणे दोष परिहार परीक्षाया फलम। लक्षण में यदि कोई दोष होता हो नहीं, है ना, यदि लक्षण में कोई दोष नहीं है, ज्यों का त्यों यदि बुद्धि पकड़ लिया है तो उनमें कोई संशय नहीं रहता है, सीधे निधि आसन हो जाएगा, सही है ना। इसलिए श्रवण से भी, श्रवण मात्रा से भी निधि आसन हो सकता है, यदि बुद्धि अत्यंत उत्कृष्ट है, कई जन्मों का फल है, अत्यंत बुद्धि शुद्ध है, क्यों, सगुण परमात्मा का साक्षात्कार किया है मान लो, है कि नहीं। तो जैसा कह दिया शास्त्र गुरु, बुद्धि नहीं पकड़ लेगी। कभी कभी अनुभव करिए, देखो कभी कभी अनुभव करिए, अत्यंत आपकी श्रद्धा हो जाए किसी महापुरुष के प्रति, शास्त्र के प्रति, एक बार सुन लिया तो बुद्धि नहीं पकड़ती है, पकड़ती नहीं पकड़ती, हेतु क्या है, अत्यंत बुद्धि की शुद्धि है, अत्यंत श्रद्धा है, अत्यंत बुद्धि की शुद्धि का परिचय यही है कि अत्यंत श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं, ये भी ईश्वर की कृपा है। अत्यंत श्रद्धा हो जाना, ज्यों का त्यों बुद्धि पकड़ लेना। भगवान भाष्यकार ने श्रद्धा का क्या लक्षण किया वहाँ पर, उत्कृष्ट श्रद्धा वही है लक्षण जो बताया ना विवेक चूड़ामणि ने बताया। हाँ ना, वो तो बहुत आत्मा में बहुत बताया, जो श्लोक बताया ना, हाँ विवेक चूड़ामणि, हाँ वही वही वही, हाँ वही है ना। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि जया वस्तु उपलभ्यते, ये है शास्त्र जैसा कहता है, गुरु जैसा कहते हैं, ज्यों का त्यों पकड़ना, ये मतलब, तो उनके लिए मनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि नहीं। बुद्धि में योग्यता नहीं है तो संशय होगा ना, श्रद्धा में थोड़ी सी कमी हो तो संशय हो सकता है, तो मनन करोगे आप नहीं, मनन, तब मनन से भी यदि परिपक्व नहीं हुआ तो निध्यासन करना पड़ेगा। फिर मनन से तो संभावित ज्ञान होता है, मनन से, हाँ संभावित, ये सब आगे आएगा बताएंगे, ठीक है। चलो ये यहाँ पर संग्रह शब्द से ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा संक्षेप से बताएंगे शिष्य काचार्य, तो ऐसे संपूर्ण वेदांतों के जो सार सार है उनका संग्रह कर दिया इस ग्रंथ में। प्रकरणम इदम आरभ्यते, ये आरंभ किया जाता है, ठीक है। देखो भगवान यथा हमले, क्योंकि 8 नंबर पे चल रहा है, उक्त रीत्या, जो पहले प्रक्रिया बताई ना, उक्त रीत्या, उक्ता या रीत्या, रीति जो बताई पहले प्रक्रिया है, तो प्रयोजनादिया, प्रयोजनादीनाम सद्भावा भावः साधारणतरा अनाधीनम च प्रयोजनम अत इत्यर्थ। ये देखो, ये प्रयोजनवादी संभव है ना, आदि से क्या लेंगे, हाँ ये सब बाकी तीन को ले लो, जिसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं, ठीक है। वो सद्भाव मतलब संभव है कि नहीं, प्रयोजन आदि संभव है, हो सकता है ना। पहले सब प्रक्रिया सब बता दिया कैसे, और न सचार व्यतिरिक्त सचार सब बता दिया, ठीक है। इसलिए जो है, और साधनांतर अनधीनम च, ये जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन भगवान, अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं, परमानंद की अनुभूति,
इसके लिए कोई साधनांतर है क्या? दूसरा कोई साधन है ज्ञान से अतिरिक्त? साधनांतर जितने भी हो, कर्म हो, उपासना हो, ये सब चित्त शुद्धि के साधन है। इसमें सामर्थ्य नहीं है कि दुखों को निवृत्त कर दे, है सामर्थ्य नहीं ना है। कर्म उपासना इत्यादि अष्टांग योग जितने भी ले लो, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि दुखों को आत्यंतिक निवृत्त कर दे। विरोधी नहीं ना, और ज्ञान का विरोधी ज्ञान है, है ना? कर्म उपासना जितने भी है उनमें से ज्ञान कौन है? कोई है? बोलते उपासना, उपासना ज्ञान नहीं है? फिर ज्ञान नहीं तो क्या है? वो भी ज्ञान है लेकिन सोपाधिक ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान है ना वो भी अज्ञान ही मान लो उसमें भी योग्यता नहीं है नारायण। इसलिए साधनांतर हो गया, कर्मादि उसके अधीन नहीं होता ये प्रयोजन, उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इस अभिप्राय से अतः मूल में आया अतः, ठीक। आगे देखा जाए, अत्र अशेष वेदांत क्यों कह दिया? संपूर्ण वेदांत क्यों कहा? अशेष वेदांत शब्देन शास्त्रम दर्शितम। अशेष वेदांत कहने से आप शास्त्र को ले लो, उपनिषद को ले लो, ब्रह्मसूत्र को ले लो, उसको कहते शास्त्र, है ना? शास्त्र का लक्षण पहले बताए थे क्या है? एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्र, ये होता है संपूर्ण साधनों का निरूपण हो। जहाँ पर साध्य तो है ही हो, संपूर्ण साधनों का निरूपण है उपनिषद में, है कि नहीं? ब्रह्मसूत्र में भी है, ब्रह्मसूत्र को भी शास्त्र बोलते हैं। वहाँ पर भी कहा गया कर्म का प्रयोजन किसमें है, उपासना का प्रयोजन किसमें है, वहाँ पर सब बताया। क्रम मुक्ति भी बताई सब ब्रह्मसूत्र में, फलाध्याय में। इसलिए वहाँ पर अशेष वेदांत शब्द से ले लीजिए शास्त्र, ठीक। तत्रापि उनमें से ये फिर प्रकरण ग्रंथ क्या करता है, ये शास्त्र बोल दिया। हाँ, ये सार, सार सार क्यों कहा नारायण? निष्प्रपंच ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्रीक देशेन संबंध दुतनाय सार ग्रहणम, ठीक है ना? देखो उपनिषद में केवल ज्ञान का निरूपण है कि उपासना आदि का भी है, लेकिन उपासना सार नहीं है, ज्ञान है सार। सार है कि नहीं? इसलिए जो ज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, चित्त में योग्यता नहीं है, उसका भी कल्याण करना चाहती है श्रुति। इसलिए उपनिषद में भी कई जगह पर उपासना बताई है ना? इसलिए उपास्तयो ही एवात्र ब्रह्मशास्त्री भी चिंतिता, पंचदशीकार कहते हैं, ठीक है नारायण? उपास्तयो ही एवात्र ब्रह्मशास्त्र मतलब कौन हो गया? उपनिषद। उपनिषद में भी उपासना का निरूपण किया गया है, क्योंकि जो लोग ज्ञान में अधिकारी नहीं है उसका भी कल्याण करना चाहती है श्रुति, ठीक है ना राणा? इसलिए निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनिश्वरा, है ना? निर्विशेषम परम ब्रह्म, निर्विशेष परम ब्रह्म हो, इसका जो साक्षात्कार नहीं कर सकते है कि नहीं, उसका भी कल्याण करना चाहती है श्रुति। स्वविशेषा निरूपणी सविशेष परब्रह्म का ये कल्पतरुकार ब्रह्मसूत्र की भावती में टीकाकार है ना, वही कहते हैं जो ज्ञान में समर्थ नहीं है, किसके ज्ञान में? निर्विशेष परब्रह्म ज्ञान में समर्थ नहीं है, उसका कल्याण कैसे करेगी? वो सविशेष ब्रह्म का निरूपण करते हुए श्रुति सबके ऊपर कल्याण करना चाहती है कि नहीं? तो उपनिषद में तो उपासना भी है, उसका ग्रहण यहाँ पर नहीं लेना है। इसलिए सार सार बोल दिया, जो ज्ञान का ही निरूपण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा जी, इसलिए सार शब्द का प्रयोग कर दिया। एक देश हो गया ना, निष्प्रपंच ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र हो गया उपनिषद, उनमें जो बहुत सारे निरूपण है उनमें से एक देश लेना है ज्ञान। एक देश है ना संबंध, एक देश के साथ संबंध हो गया किसका? प्रकरण का हो गया।
इसका द्वेतन करने के लिए, ज्ञापन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सार, सार शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ऐसा ये व्याख्यान जो है ना, ये मामूली आदमी कर पाएगा? ये मामूली आदि, मामूली आदमी के बस की बात नहीं है। ये चिशु का आचार्य जैसे महापुरुष हो तो कर सकते हैं, क्यों? सही है ना? यही इनमें विशेषता है। अच्छा जी, इसलिए ये जो ये बृहत प्रस्थान्तर है ना, बृहत प्रस्थान्तर में सबसे बढ़िया है चिशु की ग्रंथ, चिशु की हो साधकों के लिए भी है, बहुत अच्छा चिशु की ग्रंथ है ना। तत्रापि, आगे बढ़े, ये हो गया आगे सारा संग्रम। तत्रापि विस्तरण प्रतिपादितस्य, देखो उपनिषद में तो विस्तार से प्रतिपादित है कि नहीं? इसलिए विस्तरण प्रतिपादितस्य कौन, विषय, प्रयोजन इत्यादि सब ले लो, लेकिन सबका यहाँ पर नहीं लेना है। संक्षेपण प्रतिपादनम, संक्षेप से प्रतिपादन करना, जैसे हमने श्लोक लिखा है ना, उसी का आप स्पष्टीकरण देखो। संक्षेपण प्रतिपादन, संक्षेप से प्रतिपादन करना, प्रतिपादन करना मतलब क्या है? वो यहाँ पर संग्रह शब्द कहा ना, उसको कह देखो, कार्यांतरम दर्शयितुम संग्रह ग्रहणम है ना। लेकिन वहाँ का जो कार्य है, क्यों भाई? उपनिषद का जो कार्य है, शास्त्र का, इसका भी वही कार्य है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। उसका कार्य क्या है? मोक्ष है। उपनिषद का कार्य क्या है? प्रयोजन। कि दूसरा है आप प्रकरण ग्रंथ का, उसका भी मुख्य, दूसरा कार्य नहीं होता है, है ना। आगे बताएंगे, आगे ये लक्षण बता देंगे। कार्यांतरम दर्शयितुम संग्रह ग्रहणम, इसलिए वहाँ पर संग्रह शब्द का ग्रहण किया गया, ठीक है। तद एवं, इसलिए यहाँ पर लक्षण हो गया, देखो ये प्रकरण ग्रंथ का लक्षण, शास्त्रीक देश संबद्धम, संबंधम, संबंध की संबद्धम है, ठीक है। शास्त्रीक देश संबंधम, शास्त्रीक देश संबंधम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, आहु प्रकरण ना प्रकरणम नाम, आहु प्रकरणम नाम, ग्रंथ भेदम विचक्षणः, भेदम विचक्षणः, बोलिए। शास्त्र एक देश संबद्धम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, आहु प्रकरणम नाम, विचक्षणा। देखो विचक्षणा, विचक्षण बोलते हैं बुद्धिमान को, विद्वान को कहते हैं विचक्षण। बी उपसर्ग चक्षुण धातु, लिट प्रत्यय करने पर हो गया विचक्षण, ठीक है ना। मतलब विशेष बुद्धि वाले, विशेष बुद्धि वाले को कह देगा विचक्षण, ठीक है ना। रण विद्वान, विचक्षणा है मतलब विद्वान था, विशेष विद्वान लोग, ज्ञानी लोग है ना, कहते हैं आहु ग्रंथ भेदम प्रकरणम नाम। ये जो ग्रंथ विशेष है इसको प्रकरण कहते हैं। बोले कौन सा है ग्रंथ विशेष? ऊपर दे दिया, शास्त्रीक देश संबंधम, कहीं कहीं संबद्धम भी होता है, कहीं कहीं पाठ संबद्धम भी होता है, संबद्ध पाठांतर बोल रहा हूँ। हाँ वो सही है फिर, क्योंकि मुझे ये याद है, उसी संबद्धम याद है, और यहाँ पर संबंधम दे दिया है, नकार दे दिया है, दकार उचित है, ठीक है ना। शास्त्रीय देशा संबद्धम, ये ना शास्त्र के उपनिषद है ना, उसमें तो बहुत कुछ निरूपण है, अंतरंग साधन बहिरंग साधन बहुत निरूपण है, नहीं? और इनका एक देश कौन हो गया? ज्ञान अथवा अंतरंग साधन, नहीं? उससे संबंधित है कौन? ये ग्रंथ होगी कि नहीं? अच्छा, लेकिन इसका कोई प्रयोजन दूसरा होता होगा? उपनिषद का प्रयोजन कोई दूसरा होता होगा? उपनिषद के अधिकारी दूसरे हैं, अब प्रकरण के अधिकारी
दूसरे ऐसा है क्या? उसके भी जो अनुबंध चतुष्टय होते हैं इसके भी अनुबंध चतुष्टय वही होते हैं, हो गया ना। ये लिखते हैं शास्त्र कार्यांतर, शास्त्र कार्यांतर कौन हो गया? मोक्ष हो गया अथवा तो ज्ञान हो गया, कोई दूसरा तो है ही नहीं। परम प्रयोजन जो परम कार्य हो तो कौन होता है ना, मोक्ष ही होता है। प्रयोजनांतर, उसका जो प्रयोजन है इसका भी वही प्रयोजन है। हाँ, कार्य मैंने प्रयोजन फल है ये, ठीक है ना रण, उसी में ही ये विद्यमान है। मतलब मोक्ष का ही यहाँ पर प्रयोजन है, किसका? प्रकरण ग्रंथ का, इसी में ही स्थित है ना। इस प्रयोजन को सिद्ध करने में ही स्थित है कौन? प्रकरण। ऐसे ग्रंथों को बोलते हैं प्रकरण। ये तो पारिभाषिक हो गया ना, ये प्रकरण शब्द पारिभाषिक हुआ। ये पुराण का है वाक्य, उपपुराण का है, पराशर उपपुराण दिया आपकी पुस्तक में, उपपुराण है। एक तो पुराण हो गया, उपपुराण हो गया। उपपुराण कितने होते हैं? नहीं, पुराण तो 18 है, 18 है कि 16 है, थोड़ा देखिएगा। हाँ, दोनों 18 है क्या? नहीं, पुराण तो 18 है भाई, उपपुराण कितने हैं वो देखिएगा। अच्छा, वो भी 18 है, ठीक है फिर चलो। इति उक्त लक्षण लक्षितम इदम प्रकरणम। ऐसा लक्षण हो गया ना, लक्षण कह दिया ये श्लोक में, उस लक्षण से लक्षित कौन हो गया? ये ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ कौन? निष्क्रम सिद्धि इदम प्रकरणम, है ना। प्रकरण हो गया लक्षण, लक्षण बता दें श्लोक में। ऐसे लक्षण से लक्षित कौन हो गया? लक्षण घट गया ना इसमें, लक्षण जिसमें रहता है घटता है उसको कहते हैं लक्षित, हो गया कि नहीं। लक्षण लक्षितम, लक्षण से लक्षित हो गया, घटित हो गया कौन? ये ग्रंथ, इसलिए इसको भी प्रकरण कहा जाएगा, ठीक। यहाँ तक पूरा हो गया। इसलिए अनुबंध आवाज़ कट रहा है, ओ राम राम। चलो चलो, हाँ ठीक है ठीक है। तत्र अभिलषितार्थ प्रचयाय, ठीक है चल रहा है। तत्र अभिलषितार्थ प्रचयाय प्रकरणार्थ समसूत्रणाय च अयम आद्यः श्लोकः। अभी पहला श्लोक प्रारंभ हो रहा है भगवान, है ना। तो जो अभिलषिता जो अर्थ है ना, थोड़ा म्यूट कर लो, किसका है म्यूट कर लिए। जिसको प्राप्त करना इष्ट है, म्यूट करिए। अभिलाष सुन दे रहे हो, जो अर्थ अभिलाषित है हुँ? तो उस अर्थ को प्रकट कराने के लिए म्यूट करिए। कौन है भैया? नाम भी नहीं आ रहा है कौन। जो अभिलाषिता जो अर्थ है ना, उसका प्रचय के लिए, निरूपण के लिए, प्रतिपादन करने के लिए अभिलाषित अर्थ कौन है? मोक्ष हो गया, है ना। अभिलाषित अर्थ हो गया मोक्ष, अभिलाषित तो वही अर्थ है कि नहीं। उसका प्रचय, उसका निरूपण, प्रतिपादन करने के लिए प्रकरणार्थ समसूत्रणाय, ये प्रकरण का अर्थ क्या है? अर्थ है ना, ठीक है। अभी बताएंगे, देखो तो यहाँ पर दिया है प्रचय का अर्थ शिष्ट परिग्रह, ठीक है, हमें दिया है शिष्ट का परिग्रह यही है, निरूपण प्रतिपादन, ठीक है। इसलिए
अयम आद्यः श्लोकः, ये पहला श्लोक हुआ। खाने खाने लग्नक धरित्रंतम, खाने लग्न धरित्रंतम, श्रक फणि बोधगतम यतः, ध्वान्त छिदे नमस्तस्मै, हरये बुद्धि साक्षिणे। थोड़ी टीका पढ़नी थी, इदानीम टीका थोड़ी सी पढ़नी थी, छूट गई। प्रतिश्लोकम संबंधोक्तिम आरमण, ये देखो नारायण, प्रत्येक श्लोक में क्या दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे, है ना। प्रतिश्लोक में संबंध दिखाते हुए आरंभ करते हुए, संबंधी का कथन को आरंभ करते हुए प्रथम श्लोक से तात्पर्य दर्शयन, ये श्लोक के शुरू में है ना, श्लोक के शुरू में ये भूमिका है, ये है ना। तो प्रथम श्लोक का क्या तात्पर्य है उसको दिखाते हुए संबंधम आह, ये संबंध बता दिया मूल में। टीका में देखो, तत्र तत्र का मतलब प्रकरण है, प्रकरण में आद्य श्लोक, ये जो पहला जो श्लोक है वो श्लोक किस लिए है, देखो, अभिलाषित अर्थस्य, अभिलाषितो अर्थो प्रकरणांतरस्य, ये प्रकरण है कि नहीं, निष्कर्म सिद्धि, उस अभिलाषित अर्थ को प्रचय करने के लिए, भाई प्रचय क्या चीज़ है, देखो, तस्य प्रचया, अभिलेषित अर्थ जो है मोक्ष नहीं, उसको प्रचय क्या है, शिष्य परंपराया शिष्ट परिग्रह, है देखो, शिष्यों की परंपरा से जो परिग्रहण ग्रहण करना धर्म है ना, कौन ग्रहण करेगा, शिष्ट परिग्रह, शिष्ट किसको कहते हैं मालूम है, शिष्ट किसको कहते हैं, ये बोलते हैं ये शिष्ट है, ये व्यक्ति शिष्ट व्यक्ति है, शिष्ट क्या होता है, ये विद्वान शिष्ट विद्वान है, शिष्ट क्या चीज़ है, शिष्ट उसको कहते हैं फल साधनतां से भ्रांति रहितत्व शिष्टत्व, इसको कहते हैं शिष्ट, ठीक है ना, फल साधनतां से भ्रांति रहितत्व। ठीक है, फल क्या है, साधन क्या है, ठीक है ना, साधन मतलब हेतु, इस साधन का ये फल है और इस फल का ये साधन है ना, ये दोनों के विषय में जिसको भ्रांति नहीं होती है उसको बोलते हैं शिष्ट। संत भगवान ज्योतिर्मानंद जी, शिष्ट का मतलब समझ में आया, फल साधनता से भ्रांति, दोनों में जिसकी भ्रांति नहीं है, बौद्ध लोग तो जानते हैं कि मोक्ष को, कि मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष का साधन क्या जानते हैं, नहीं जानते, उसको शिष्ट नहीं कहा जाएगा, जिसको कभी भ्रांति, सर्व का काम जो जीते बोल दिया, सर्व हो गया फल और याग हो गया साधन, है कि नहीं, इस प्रकार मोक्ष ही परम प्रयोजन है, तो है ना। तब मोक्ष का स्वरूप क्या है सब बता दिया, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद का मोक्ष, सब लोग जानते हैं इसको, नहीं जानते, कोई स्वर्ग को मोक्ष कहता है कि नहीं, तो और कोई मान लीजिए विष्णु लोग है, शिव लोग है, ब्रह्म लोग है, उसी को मोक्ष कहते हैं कुछ लोग, है ना, और ऐसे भी होते हैं बस, अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, ये यही संसारी क्या है, स्वर्ग ये संसारी क्या है, स्वर्ग है, बढ़िया बढ़िया इधर सुख के लिए साधन मिल जाए तो यही तो स्वर्ग है ना, और क्या स्वर्ग है, मांडुक्य पढ़ोगे ना, मांडुक्य में सब लिखा है, इसलिए जो अच्छा भंडारी क्या बोलेगा, आप चिंता न करो यही स्वर्ग है, हम आपका बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएंगे, ये तुम्हारे आत्मज्ञान की क्या जरूरत है,
ऐसे भी लोग मानते हैं कि नहीं। कर्म कांडी लोग क्या मानेंगे, अरे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, यही मोक्ष और क्या है ठीक है नहीं। और वैद्य लोग क्या बोलेंगे, हम ऐसी औषधि देंगे बस हमेशा तुम क्या जवान रहोगे, सुखी सुख है कि नहीं, यही स्वर्ग है। तो कई प्रकार के है कि नहीं। तो जिसको फल के अंश में भ्रांति नहीं होती है, और फल के साधन में भी भ्रांति नहीं होती है कि नहीं। साधन क्या हुआ, कोई कहता है कि उपासना से मोक्ष होगा कहते हैं ना, और कोई कहता है ना प्रकृति पुरुष का विवेक से मोक्ष होगा कहते हैं ना सांख्य लोग, और कहते समाधि से योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान, ये वक्ता है वो, उनका योग का संस्कार है, उसको हम कितना भी समझाए नहीं समझता वो, नहीं योग से ही मोक्ष होगा, हम योग ही करेंगे समाधि कितने घंटे करेगा वो, सुबह थोड़ा सा करती है शाम को थोड़ा सा करती है, बोलते फिर मेरा मन बाकी समय तो बड़ा बिछे रहता है, बहुत टेंशन है मैं, वो बोलती है तो टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, इतना दिन मैं जॉब कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं मिल रहा हमको, तो संस्कार है तो ऐसे गुरु की प्राप्ति भी हो जाती है, गुरु की भी ऐसी प्राप्ति हो जाती है ना, तो क्या किया जाए। चलो ये होता है ठीक है, ये होता है शिष्ट परिग्रह, तस्मै उसके लिए उपलक्षण, इसको उपलक्षण मान लो, अभिलषित अर्थ प्रचार कह दिया, इसको उपलक्षण मान लीजिए है ना। उपलक्षण क्या है, इदम अविघ्नेन परिसमाप्ति शिष्टाचार परिपालनयोर इष्ट देवता नमस्कारस्य विद्यायाम अंतर्गत साधनत्व सूचनस्य च। ये बड़ा सुंदर विचार कर रहे हैं, देखो बोलते हैं कि ये है ये ग्रंथ की परिसमाप्ति हो जाए और विघ्न बीच में ना आवे, ये लिख लो अविघ्नेन परिसमाप्ति। आई क्या लिखा है भाई, शिष्टाचार पालना, आइए जो मंगलाचरण है नमस्कार करना है, ये भी शिष्टाचार के लिए क्या है, परिपालन है, शिष्टाचार है शिष्टाचारण परिपालनम। शिष्ट लोग इसको अवश्य करते हैं, क्यों करते हो, क्या लिखते हैं आगे देखो, इष्ट देवता नमस्कारस्य, इष्ट देवताओं को जो नमस्कार करना ये विद्या में अंतर का साधन है कि नहीं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, जब तक ईश्वर में शरणापन्न नहीं है, है कि नहीं, तब तक वहाँ विद्या की प्राप्ति होगी क्या। आप लोग तो समझते हैं कि है ना विद्या का अंतरंग साधन कौन, श्रवण मनन, लेकिन टीकाकार क्या बोलते हैं, जो इष्ट देवता जो परमात्मा है उसको नमस्कार करना ये भी अंतरंग साधन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ईश्वर में शरणापन्न नहीं है ये श्रवण मनन निध्यासन का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसका नाम होता नमस्कार, मतलब सारे अहिमान को त्याग कर देना, मैं जा कर के हम गुरु को नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार क्या है, केवल हाथ जोड़ देना दंडवत प्रणाम, वो तो चोर भी करता है तो हमसे ज़्यादा कर सकता हो नहीं करता है, पकड़ मारने के लिए करता है कि नहीं, बहुत उपाय ढूंढता हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको नमस्कार नहीं किया जाएगा। नमस्कार बोलते हैं मैं निकृष्ट हूँ, नहीं यही तो कहना चाहता है शिष्य, भले मुख से ना बोले, और आप कैसे, आप उत्कृष्ट है, जैसे नारद जी ने कहा है ना, इसलिए स्व अपकृष्टत्व परो उत्कृष्टत्व प्रकार का ज्ञानानुकूल व्यापार नमस्कार, ये नमस्कार का लक्षण करते हैं विद्वान लोग, नहीं यही नमस्कार है, स्वापकृष्टत्व परोत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापार नमस्कार, इसी का नाम नमस्कार है। स्वापकृष्टत्व परोत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापार, ज्ञानानुकूलो व्यापार, इसका नाम होता है नमस्कार। स्पष्ट है, लिख दिया ज्योतिर्मानंद जी, स्वापकृष्टत्व, स्वापकृष्टत्व अपने में अपकृष्टत्व रहेगा,
किस में रहेगा? नमस्कार करने वाले में रहेगा, शिष्य में रहेगा, रहेगा ना जी। ये धर्म रहेगा, अच्छा ये हृदय में है, वो ये भावना रहेगी ना। और गुरु में क्या है? पर उत्कृष्टत्व, पर मतलब गुरु हो गया, गुरु में उत्कृष्टत्व है, देख नहीं। तो ऐसा जो ज्ञान है ना, प्रकार का ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान, मैं निकृष्ट बुद्धि वाला हूँ, संसार से संतप्त हूँ, आप तो कैसे उत्कृष्ट बुद्धि वाले, आप मुक्त है, आपसे मेरा कल्याण होगा, नहीं ऐसा ज्ञान कहाँ रहेगा? शिष्य में रहेगा, रहेगा ना। उसको इस ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए, ये जो ज्ञान है ना शिष्य में, नहीं भावना, ज्ञानात्मक जो भावना है, नहीं भावनात्मक ज्ञान लो, भावनात्मक जो ज्ञान है, तो भावनात्मक ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हो, इसी का नाम क्या है, हो गया नमस्कार। अरे केवल हाथ पैर जोड़ दिया और भावना नहीं है तो उसको नमस्कार थोड़ी कहा जाएगा। तो टीका करने एक पंक्ति लिखी, नमस्कारस्य विद्यायाम अंतरंग साधनत्व सूचनस्य, इसको भी उपलक्षण मान लेना चाहिए, शिष्य का आचार्य कहते हैं, ठीक है ना। प्रकरणस्य अर्थ इसको आगे करते हैं विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं।